हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कोर सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड एंड सेकंड है एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड। जो फर्स्ट है इसमें यही कि जो हमारा कोर सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ हुई है वो 8.9% रही है जून में, है ना। लेकिन जो ये अभी ग्रोथ रही है ये जो प्री पेंडेमिक लेवल था, पेंडेमिक आने से पहले का लेवल, और जो अब की बार सेकंड वेव आई थी मार्च में उससे पहले के लेवल, दोनों से ही कम ग्रोथ देखने को मिली है इसमें, है ना। तो इसमें जो कोर सेक्टर होता है उसमें 8 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज आती हैं, 8 इंडस्ट्रीज आती हैं मेनली। एंड जैसे इनमें ग्रोथ कम देखने को मिली है, जैसे क्रूड ऑयल है उसमें तो सुरंग किया हुआ है ना, क्रूड ऑयल में ग्रोथ नहीं हुई। स्टील और नेचुरल गैस है, इनमें थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, मोर देन 20% है, तो स्टील और नेचुरल गैस में ग्रोथ है। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं इसमें, जैसे सीमेंट है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है, फर्टिलाइजर है, इनमें मॉडरेट देखने को मिली है ग्रोथ। और इसमें ये भी कि जो डेटा है, जैसे 8.9% अभी डेटा शो कर रहा है, तो इसका इन्फ्लुएंस है कि पहले नेगेटिव बेस इफेक्ट सिंड्रोम रहा है, कि पहले हमारा जो बेस इफेक्ट था, पहले जो ग्रोथ थी लास्ट ईयर की वो कम थी। और अगर ग्रोथ पिछली बार कम रहेगी और उसके ऊपर जितनी भी ग्रोथ होगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा ही शो करेगा ना अब, तो इस वजह से डेटा मतलब इससे इन्फ्लुएंस है नेगेटिव बेस इफेक्ट सिंड्रोम से। और जो अभी ग्रोथ हुई है कोर सेक्टर में वो इनकम्प्लीट है, अभी जो रिकवरी स्टार्ट हुई है उसमें उतनी रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई है जितना जंप हम देखने को सोच रहे थे ना, जितना हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, इतना मतलब जंप करेगा या इतना ग्रोथ होगा, तो उतना नहीं हुआ है, रिकवरी इनकम्प्लीट है अभी। तो एग्जाम के लिए देखते हैं कि कोर सेक्टर मतलब क्या है और ये किसमें कैसे क्या आता है। तो ये जो इंडेक्स है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो इसका वेटेज होता है IIP जो इंडेक्स है उसमें 40.27%। जो IIP इंडेक्स होता है हमारा उसमें अगर वेटेज की बात की जाए तो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका ही सबसे ज़्यादा वेटेज है, एक तरह से 40.27% वेटेज है IIP में। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का, ये मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है और इसका जो बेस ईयर मानते हैं वो 2011-12 है ना, तो मंथली बेसिस पे है। एंड बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। और इसको कंपाइल और रिलीज कौन करता है, इसको करता है OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ना। तो याद रखना है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनको रिलीज करता है DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर इनको रिलीज किया जाता है। एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये कौन कौन सी हैं, मतलब इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक बार अरेंज करवाया था शायद और एक बार ऐसे ही पूछा था कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ऐसे। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, अगर इसको वेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब ये मैंने वेटेज वाइज ही अरेंज किया इनको, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद है सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी का, देन है स्टील है, फोर्थ पे है कोल, देन क्रूड ऑयल है, देन नेचुरल गैस है, देन है सीमेंट, एंड लास्ट में है फर्टिलाइजर। तो लास्ट का याद रख लेना कि फर्टिलाइजर जो है वो सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले आता है सीमेंट लास्ट टू, एंड फर्स्ट क्या है पेट्रोलियम है, सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम के रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, एंड फिर सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको याद तो रखना पड़ेगा हमें, तो नोट कर लेना कहीं, है ना, तो और याद कर लेना इनको, क्योंकि UPSC ने अरेंज करवाया था कि वेटेज के अकॉर्डिंग, तो सेकंड टाइम भी आ सकता है ऐसे, है ना, तो ये किसी को भी अरेंज करवा सकता है कि किसका वेटेज कम है, किसका इसमें से ऑप्शन में दे दे, चार दे दे उनमें से अरेंज करो आप, है ना। तो हमें याद रखना पड़ेगा कौन पहले कौन सा बाद में है। सेकेंड न्यूज़ है अपनी MSME सेक्टर से रिलेटेड, कि जो नीति आयोग उनके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उन्होंने बोला कि जो MSME सेक्टर है उसे अभी पॉलिसी अटेंशन की ज़रूरत है, हमें जो पॉलिसी हम जो बना रहे हैं, जो उनको मतलब दे रहे हैं अभी, जो भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेज रिलीज किए हैं, तो उसमें हमें MSME सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है अभी बहुत ज़्यादा, 50% के अराउंड उनका मतलब अर्निंग हिट हुई है MSME सेक्टर की। हमें पता है कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने आप को टैकल कर लेती है, सिचुएशन में भी मैनेज कर रही हैं, बट जो छोटी फर्म्स होती हैं उनका पहले ही रेवेन्यू, उनका थोड़ा ही फाइनेंस होता है, क्रेडिट लेते हैं, लोन वगैरह लेके काम चला रहे होते हैं, और मतलब कोविड ने उनको बहुत ज़्यादा हिट किया अभी। और हम देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए MSME के हैं, अपना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है इंडिया में, फर्स्ट पे आता है एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना, और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा MSME सेक्टर आता है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो 45% है ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो MSME का, उसमें कंट्रीब्यूशन देखें तो 45% के आसपास एक्सपोर्ट में MSME का कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो हमारी MSME मिनिस्ट्री भी है, इसका जो टारगेट सेट किया है उन्होंने 2025 तक का टारगेट किया है, जैसे इंडिया का 2025 तक का टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनाना है, तो उसी में MSME जो मिनिस्ट्री है उन्होंने MSME का भी टारगेट रखा है कि GDP में जो कंट्रीब्यूशन है 2025 तक हम 50% तक करें, है ना। तो GDP में जो अभी कंट्रीब्यूशन है वो 30% से तो ज़्यादा है अभी,
ना, तो उसका टारगेट है कि 2025 तक हम 50% तक उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करें एमएसएमई सेक्टर का। और ये जो सेक्टर है हमारा एमएसएमई सेक्टर, ये इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ये हर एक सेक्शन को, हर एक सेक्टर को कवर करता है, जैसे है ना रूरल हो, अर्बन हो, मैन हो, वीमेन हो, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ होती है इसमें। एंड इनोवेशन पे भी फोकस है, मतलब नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। एंड फिनेंशियल इंक्लूजन पे भी इसका फोकस रहता है ना, तो मतलब इसमें क्रेडिट दिया जाता है जिसको भी अपना कोई नया आइडिया है अपना लेकर आए, इन्वेस्ट करें इसमें एम एस एम ईज में। एंड गवर्नमेंट का पीएसयू को देखें तो हमने टारगेट दिया हुआ है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, पब्लिक गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, उन्हें अगर मार्केट से कुछ बोरो करना है, बाय करना है, तो उसमें ये होता है कि अगर इसी में कोई एमएसएमई भी काम कर रहा है और उसने अपने आप को जो जीईएम है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उस पर रजिस्टर करवा रखा है ना, तो उनको बाय करना होता है, उसमें कम से कम 25% टोटल बाय का एमएसएमई से बाय करना होता है। पहले ये 20% था, अब कर दिया 25% है ना, तो 25% उन्हें अपने टोटल परचेज का कंपलसरी बाय करना था एमएसएमई पे, है ना, अगर वो अवेलेबल है उनके पास तो। और ये जीईएम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, वहाँ पर ये सब अवेलेबल रहता है। और लेटेस्ट क्लासिफिकेशन किया है एमएसएमई जो हमारा सेक्टर है ना, तो उसका 2020 में अभी क्लासिफिकेशन किया है कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, मतलब माइक्रो में कौन सी कंपनीज आएंगी, स्मॉल कौन सी होंगी और मीडियम कौन सी होंगी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे, है ना। तो अगर देखें तो माइक्रो में तो आती है नॉट मोर देन 1 करोड़, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जिनका टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़, और 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, वो होती है माइक्रो कंपनीज एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, है ना। और स्मॉल कौन सी होती हैं, अप टू 10 करोड़, जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और टर्नओवर जिनका 50 करोड़ तक है, 50 करोड़ तक है। एंड मीडियम में कौन आएगा, नॉट मोर देन 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट मोर देन 250 करोड़ टर्नओवर। तो मीडियम में आएगी जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब अप टू 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक टर्नओवर है जिनका। तो याद रखना है कि माइक्रो में 1 और 5 है, स्मॉल में 10 और 50 करोड़ है, एंड मीडियम में है 50 और 250। तो ऐसे याद रख लेना अपने को, ये एमएसएमई अपना हो गया सेक्टर। एंड आज की न्यूज़ भी हो गई है दोनों, है ना, कोर सेक्टर कौन कौन से थे, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका वेटेज है आईआईपी में 40.27, रिलीज कौन करता है, डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, और 8 कोर को हमने अरेंज किया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं पहले नंबर पे, सेकंड पे इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, देन नेचुरल गैस है, देन सीमेंट है, और लास्ट में है फर्टिलाइजर। और एमएसएमई हमने देख ही लिया है कि इनका क्लासिफिकेशन अभी कितना है, एंड सेकंड जनरेशन सेकंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, 45 के आसपास इनका एक्सपोर्ट रहता है, और जीडीपी का जो टारगेट है हमारा 2025 तक 50% तक कंट्रीब्यूशन करना है, और पीएसयू को 50% तक 25% तक अपना टोटल परचेज का बाय करना होता है, 25% तक पीएसयू को। एंड थैंक यू सो मच।